सबसे पहले चावल की रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए चावल का आटा। उसके बाद हमें चाहिए थोड़ा सा पानी। एक बर्तन में थोड़ा सा चावल का आटा और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ठीक से उसे गूंथ लीजिए। इस तरह से ठीक से गूंथिए। उसमें थोड़ा सा और पानी डालिए और उसे और ढीला कीजिए। थोड़ा सा और पानी उसके बाद आंच को थोड़ी सी फूल कर दीजिए। आपका आटा तैयार हो जाने के बाद इस तरह से दिखेगा। हम देख सकते हैं वो एक ही तार में गिरा है। उसके बाद इस तरह से उसे तवे पे डालिए। तवे पे डालने के बाद हाथों से इस तरह से थोड़ा सा हल्का हाथ रखना चाहिए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी ऊपर से डालिए। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर उसे निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक से वो सब जगह से निकल जाए उसके बाद इसे दूसरी तरफ घुमा लीजिए और उसे दूसरी ओर पकने दीजिए। अच्छी तरह पक जाए इसलिए दूसरी ओर घुमा के देखिए। थोड़ी ज्यादा देर लगेगी दूसरी तरफ पकने में। आप देख सकते हैं इस तरह से रोटी पक चुकी है। बस 2 मिनट में रोटी को आप उतार सकते हैं। आपकी रोटी हो गई तैयार। थैंक यू वेरी मच।